नमस्कार। जन नमस्कार सरोकार सर। मंच के जी जन सरोकार मंच के इस संवाद में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करें गांधी विषय के अध्येता, गांधी दर्शन के अध्येता, विद्वान और कविता भी लिखते हैं भूपनाथ पांडे जी से। जन्म 15 अप्रैल 1965 को वाराणसी में हुआ। वाराणसी गांधी जी के लिए बड़ी अच्छी जगह रही है, क्योंकि तो बहुत सारे विद्वान भी है वाराणसी में गांधी दर्शन के। मुंबई विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में प्राध्यापक पद पर कार्यरत है। मुंबई विश्वविद्यालय की एक पत्रिका छपती है, शोध पत्रिका शोधावटी, उसका संपादन करते हैं। काव्य त्रैमासिकी युगीन काव्य तथा शोध पत्रिका अनभे का भी के सह संपादक है। साथ ही हमारी बेटी तथा अंतर्द्वंद और बाजा फिल्मों का संवाद लेखन किया है। बाजा बाल फिल्म को राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला, इसके बारे में भी बात करेंगे आगे। मुंबई सर्वोदय मंडल से जुड़कर 26 वर्षों से गांधी विचारों का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। स्त्री बाल शक्ति स्वयंसेवी संस्था के ट्रस्टी हैं। कोए लोअर परेल मिट्टी काव्य संग्रह प्रकाशित है। अकाल तथा मात्र देवो भव काव्य संग्रह प्रकाश आदि में प्रकाश्य है और सिनेमा साहित्य तथा संस्कृति पर लेखन करते हैं। महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी के से संत नामदेव पुरस्कार तथा प्रियदर्शनी पुरस्कार से सम्मानित है। अभी हाल ही में महाराष्ट्र के एक बड़े व्यक्ति ने, जो सामाजिक और धार्मिक काम भी करते हैं, उन्होंने गांधी जी के, महात्मा गांधी के पिताजी को लेकर के, जैविक पिता को लेकर के, और बड़ी अभद्र टिप्पणी करी, और साथ ही उनकी माँ पुतलीबाई को लेकर के भी जोड़ करके बड़ी विवादास्पद बात की, जबकि ऐसा कहीं सुनने में नहीं आया। अब ऐसी बातें बार बार सोशल मीडिया पे आ रही है, या कुछ विद्वान तथाकथित विद्वान है वो बार बार ऐसा कहते हैं और छवि बिगाड़ने का प्रयास करते हैं। तो हम कैसे निपटते हैं गांधी जी के जो फॉलोअर्स हैं, या गांधी जी के बारे में जो लिखते पढ़ते हैं, वो ऐसी घटनाओं से कैसे निपटते हैं, ऐसे लोगों को कैसे चुप कराया जाए? जी ऐसे लोगों को चुप कराया जाना आसान नहीं है, क्योंकि वे एक तो ताकतवर लोग हैं, दूसरे उनका नेटवर्क बहुत अच्छा है, और तीसरा सबसे बड़ी बात कि उनको गांधी से बहुत खतरा है। गांधी यानी सत्य, गांधी यानी प्रेम, गांधी यानी अहिंसा, गांधी यानी सद्भाव। तो जी कुछ लोग हैं जिनको ये मूल्य बर्दाश्त नहीं होते हैं, जो थोड़े से तानाशाह कह सकते हैं, या थोड़े से कट्टर विचारों के व्यक्ति होते हैं। तो जब भी आपके विचारों के रास्ते में कोई बहुत बड़ा व्यक्ति आ जाता है, जिसको आप छू भी नहीं सकते हो, तो ऐसी स्थिति ये होती है कि आप उसकी प्रतिमा पर काली पोतने की शुरुआत करो। जी तो ये आज से नहीं है, तो गांधी जिंदा थे तब से भी उनके साथ ऐसा होता आया है, और ये जी सारा कुछ गांधी ने अपने जीवन में खुद देखा था। लेकिन उसका उन्होंने जवाब नहीं दिया, क्योंकि उनका जो कर्म है, वो अपना कर्म करते रहे, और उनका कर्म ही इसका सबसे बड़ा जवाब रहा। तो एक तो ऐसी चीजों को इतना महत्व नहीं देना चाहिए, जी उसे अवॉइड करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा आप कीचड़ में उतरेंगे, उतना ज्यादा आप भी वैसे काले होते जाएंगे या गंदे होते जाएंगे। सही तो बात बेहतर यह है कि ऐसे लोगों को अवॉइड करते हुए आप अपना काम करते रहिए। हमें गांधी से कुछ लेना देना नहीं है, हमारा लेना देना गांधी विचारों से है। और जी गांधी खुद कहा करते थे कि मेरे विचार मेरे अपने नहीं है, ये तो हजारों साल से जैसे पहाड़ हैं, वैसे ये हमारे मानव समाज में है, जो हमने बड़ी परिश्रम से अर्जित किए हैं। तो ऐसे में वो विचार बचने चाहिए, गांधी बचे ना बचे उससे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। या गांधी के पिता के बारे में, गांधी की माँ के बारे में आप कह रहे हैं, तो उससे आपकी अपनी योग्यता या आपकी अपनी हैसियत पता चलती है। पर जो सबसे बड़ी बात है कि गांधी के मूल्य बचने चाहिए, अहिंसा बचनी सही चाहिए, प्रेम बचना चाहिए। वो बात बचाने के लिए जो गांधी जन है वो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, ऐसे नहीं कि वो शांत हैं, वो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। और जी उनका जो कंसर्न है, या उनका जो
जुड़ाव या लगाव है वो किसी जाति, किसी धर्म, किसी वर्ण से नहीं, बल्कि समस्त मानव समुदाय के साथ है। वो पूरी पृथ्वी के बारे में सोचते हैं, वो सिर्फ देश के बारे में या धर्म के बारे में नहीं सोचते हैं, क्योंकि पृथ्वी बची तो बाकी सारा कुछ बचा रहेगा। और अभी तो सबसे बड़ा संकट पृथ्वी के ऊपर ही आया है, पर्यावरण का भी है और विनाशक युद्धों का भी है और युद्धों के अस्त्र शस्त्र जमा करने का भी है। तो अगर कोई व्यक्ति गांधी को गाली दे रहा हो या गांधी के लिए अपशब्द, और गांधी के लिए ही क्यों, नेहरू के लिए भी कहा जा रहा है, तो नेहरू के साथ भी लगभग वैसा हो रहा है। उसके अलावा भी जो इस तरह के प्रमुख लोग हैं उनके बारे में बातें की जा रही हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ ये है कि आने वाली जनरेशन या जो मोबाइल पर ही पढ़ने लिखने वाली जनरेशन है उस पर इसका दुष्प्रभाव पड़ेगा, तो उसे रोकने के लिए हम अपनी ओर से कोशिश कर सकते हैं कि उन्हें हम समझाएं, उन्हें हकीकत क्या है वो बताएं, उन्हें सही इतिहास बताएं। और अब तो इतिहास को भी गलत ढंग से पेश करने की कोशिशें हो रही हैं, गलत इतिहास लिखे जा रहे हैं। हमें ये बताया जा रहा है कि हमारे देश में अंग्रेजों ने इतिहास लिखा है, तो हाँ उन्होंने गलत ढंग से इतिहास पेश किया है। लेकिन हमारे देश में राष्ट्रवादी इतिहासकारों की एक पूरी परंपरा रही है जो अंग्रेजों की गुलामी के खिलाफ लड़ते रहे हैं। जैसे भगत सिंह के जो गुरु थे पंडित इंद्र विद्या वाचस्पति, वो भी इतिहासकार हैं, वो अंग्रेजों के गुलाम तो नहीं है, वो उपनिवेशवादी इतिहास तो नहीं लिखेंगे, और वो मार्क्सवादी भी नहीं है जिससे आपको बहुत चिढ़ है। जयचंद्र विद्यालंकार है, वासुदेव शरण अग्रवाल है, भगवत शरण उपाध्याय है, ऐसी एक बड़ी श्रृंखला हमारे पास राष्ट्रवादी इतिहासकारों की भी है। दुर्भाग्य है कि हमने उनको भी नहीं पढ़ा है, या हम ये कहें कि हमने किसी को नहीं पढ़ा है, हम सिर्फ ऐसे हवा में बातें कर रहे हैं। अगर हम अपने देश का सही इतिहास हमने पढ़ा होता, जैसे जयचंद्र विद्यालंकार की किताब इतिहास प्रवेश है, तो जयचंद्र विद्यालंकार इतिहास में रामायण को भी लेते हैं और महाभारत को भी लेते हैं, उसको भी वो पुराणों को भी वो इतिहास का हिस्सा मानते हैं। और भविष्य पुराण तो बहुत बड़ा स्रोत है आपके इतिहास का, फर्स्ट हैंड स्रोत है, जिसमें वो सारे लोग जो उस समय थे उन्होंने लिखा हुआ है। हाँ यह है कि उसमें कल्पना और बाकी चीजें आ गई हैं, तो आप अपने विवेक का इस्तेमाल करके उनको हटाकर यथार्थ को देख सकते हो। पर मूल मुद्दा यह है ना कि हम असल में पढ़ना नहीं चाहते या पढ़ नहीं रहे हैं। हमको जो YouTube पर या विकिपीडिया में या मोबाइल पर जो बता दिया जाता है उसको हम ब्रह्म वाक्य मानकर उसका हम पालन करते हैं। हाँ तो जो आपके अनुसार ये माने कहना है कि गांधी की ज्यादा चिंता नहीं करके हमको गांधी दर्शन की चिंता करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो समस्या तो ये भी आ रही है कि गांधी दर्शन के खिलाफ भी जो सत्य अहिंसा सत्याग्रह जो भी गांधी दर्शन के मूल तत्व है या प्राचीन भारत है वो भी एक मूल तत्व है, गांधी का आश्रम व्यवस्था वो भी गांधी का मूल तत्व है। तो उसमें से कुछ ही चीजों को लेकर के और टारगेट किया जा रहा है और नफरत फैलाई जा रही है, तो ऐसे में क्या फिर कैसे किया जाएगा कि दर्शन को भी कैसे बचाया जा सकता है? असल में मूल खतरा जो है ना वो पूंजीवाद और बाजारवाद से है जी। ये दो हमारे बड़े संकट हैं, और इन दो संकटों से ध्यान हटाने के लिए बाकी की सारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं जी। आप बाजार पर उंगली ना उठाएं, आप पूंजीवाद पर उंगली ना उठाएं, आप धन के अनंत संचय पर उंगली ना उठाएं, आप मुट्ठी भर लोगों के निरंतर अमीर होते जाते और एक बहुजन समाज के निरंतर गरीब होते जाते पर उंगली ना उठाएं, आप जंगलों के कटने पर उंगली ना उठाएं, आप नदियों की गंदगी पर उंगली ना उठाएं, इसलिए ये तमाम चीजें आपके सामने रखी जाती हैं या रखने की कोशिश की जाती है। और दूसरा जो सवाल आपने किया कि गांधी मूल्यों को बचाया कैसे जाए, तो एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जिसको हम प्रेम कहते हैं या सद्भाव कहते हैं ये मनुष्य का स्वभाव है जी। हिंसा उसका स्वभाव नहीं है, हिंसा तो पशु का स्वभाव होता है और पशुता को तो हम लाख साल पहले पीछे छोड़ आए हैं। हालांकि हम फिर भी बीच बीच में पशुता की ट्रेनिंग लेते रहते हैं, लेकिन वो हमारा स्वभाव नहीं रह गया है। तो जो आपका मूल स्वभाव नहीं है वो बहुत दिनों तक टिकेगा नहीं, नफरत बहुत दिनों तक टिकेगी नहीं, या घृणा बहुत दिनों तक नहीं टिकेगी, या हिंसा बहुत दिनों तक नहीं टिकेगी। हिंसा का आदमी एक दिन तो हार मानता है। जैसे आदमी चाहे कि उसकी मुट्ठी तनी रहे कसी रहे,
तो कितनी देर आप मुट्ठी कस के रख सकते हैं, 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटे, उसके बाद मुट्ठी अपने आप ढीली हो जाएगी। तो समाज के साथ भी वैसा ही है कि आप कितनी देर नफरत करेंगे और किन किन से नफरत करेंगे। तो धीरे धीरे आप, क्योंकि आपको समाज में रहना है तो आपको सहयोग चाहिए, आपको साथ चाहिए, आपको सबका एक विकास चाहिए। तो ऐसी स्थिति में आप किसी एक को छोड़कर बात नहीं कर सकते हो। तो ये मुझे लगता है कि टेम्परेरी फेज होगा, हो सकता है कि थोड़ा ज्यादा दिनों तक चले, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा हमें अपनी गलती का एहसास होगा और हम फिर अपने पुराने ढर्रे पर, शांति सद्भाव के रास्ते पर आ जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। जी जी, ये जो लोग सोशल मीडिया पे गांधी जी के खिलाफ लिखते हैं या गांधी दर्शन के खिलाफ लिखते हैं, उनका नेता है वो तो विदेशों में जाता है तो वो तो गांधी की मूर्ति के सामने झुकता है, तो वास्तव में वो गांधी दर्शन के सामने नहीं झुक रहा है, वो केवल गांधी की मूर्ति के सामने झुक रहा है, ऐसा लगता है। नहीं, गांधी एक ऐसी चीज है जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते हो। गांधी को भूलकर, गांधी को छोड़कर आप किसी भी समय में, आज के नहीं, किसी भी समय में आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। तो गांधी तो आपके आज सारे प्रॉब्लम का सलूशन है और आपकी जो कुप्रवृत्तियां हैं उसके सामने सबसे बड़ी अड़चन भी गांधी है। तो वो तो आपके रास्ते में आएगा, उससे आप बच नहीं सकते हो और कहीं ना कहीं तो आपको उसका सामना करना पड़ेगा। तो एक तो आपके पास नैतिक बल होना चाहिए, और नैतिक बल नहीं होगा तो फिर आप गाली देकर सामना करने की कोशिश करिए। जब आदमी के पास कोई जवाब नहीं बचता है तो फिर वो अभद्रता पर उतर आता है, पर वो अभद्रता भी एक ना एक दिन तो पता चल ही जाती है कि ये भाई अभद्र है। जी सही, गांधी जी तो ये कहते थे, महात्मा गांधी का दर्शन भी या गांधी जी के साधन और साध्य की सुचिता, उसमें भी साधन की सुचिता ज्यादा जरूरी है तो ही लक्ष्य प्राप्त होता। ये जो लोग हैं वो तो पूरी तरह से साधन भी गलत काम में ले रहे हैं, दुष्प्रचार कर रहे हैं, साधन ही खराब है तो फिर लक्ष्य कैसे प्राप्त होगा? अगर भारत को विश्व गुरु बनाना है तो वो लक्ष्य कैसे प्राप्त होगा? नहीं, सवाल ये है कि जिस लक्ष्य की आप बात कर रहे हैं वो लक्ष्य रियल लक्ष्य है या फेक लक्ष्य है? आप सचमुच में भारत को गुरु बनाना चाहते हो या भारत को गुरु बनाने की बात करना चाहते हो? बात करना चाहते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर बनाना चाहते हो तो प्रॉब्लम है। और बनाना चाहते हो तो उसके लिए जो श्रम करना पड़ेगा, जो मेहनत करनी पड़ेगी, वो तो नजर नहीं आ रही है। तो ऐसी स्थिति में वो बात की जा रही है विश्व गुरु बनने की और विकास की और बहुत महान होने की, पर वैसा कुछ नजर तो नहीं आ रहा है। जी, हमारे राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक विभाग बनाया, शांति एवं अहिंसा निदेशालय। जी बिल्कुल, उसके द्वारा बहुत सारे कार्यक्रम किए जा रहे हैं। अभी 25 तारीख को एक कार्यक्रम था, उसमें एक विद्वान ने ये कहा कि अगर गांधी जी नहीं होते तो हमको देश की आजादी शायद अब तक भी नहीं मिली होती। आपका क्या विचार है इसके बारे में, पांडे साहब? नहीं, राजनीतिक आजादी तो हमको मिल जाती, उससे हमें कोई रोक नहीं सकता था, क्योंकि जो अंग्रेजों की हालत खराब हुई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान, तो वो इस हालत में, इस स्थिति में नहीं थे कि वो इतने दूर के उपनिवेश को वो संभाल सकें। तो राजनीतिक आजादी आपको 2-4 साल 10 साल आगे पीछे मिल जाती, लेकिन जिस आत्मिक आजादी की बात करते हैं या जिस आत्मनिर्भरता की बात करते हैं या जो इतने जिसको हम आज अमृत काल बोल रहे हैं, 1947 में 35-36 करोड़ लोगों का पेट हम भरने में असमर्थ हुआ करते थे, आज 140 करोड़ लोगों का पेट भरने के बाद भी अनाज हम बाहर भेज रहे हैं, साइंस में, टेक्नोलॉजी में, एजुकेशन में, इन सारी चीजों में जो हम आत्मनिर्भर हुए हैं वो हम नहीं हो पाते, वो चीज हमें नहीं मिल पाती। अगर गांधी नहीं होते, अगर नेहरू नहीं होते, अगर सरदार नहीं होते, तो ये स्थिति हो सकती थी। जी, अब वाराणसी की थोड़ी सी बात करते हैं। क्या मतलब सोशल मीडिया पे भी बहुत आ रहा है, हम तो पक्ष में दिए, पूरा विवाद क्या है? क्योंकि ऐसा ही विवाद, जमीन का विवाद, जयपुर की जो सर्व सेवा संघ है उसमें भी खड़ा होता है, साबरमती का जो आश्रम है गांधी जी का, उसके लिए भी यही विवाद खड़ा होता है जमीन को लेकर के। तो ये जो गांधी जी की जो संस्था है गांधी जी के द्वारा बनाई हुई, तो इस तरह से नष्ट करते जा रहे हैं, तो क्या है इसके पीछे, क्या सोच है इन लोगों की?
सोच तो बिल्कुल स्पष्ट है, जैसे वो जमीन है वाराणसी की, उसका तो कोर्ट में अभी फैसला होना बाकी था, लेकिन वो फैसला आए बगैर ये कदम उठाया गया, और रेलवे का कहना था कि वो जमीन रेलवे की थी। सचमुच में वो जमीन रेलवे की थी, पर उस समय अच्छा के रेल मंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के नेतृत्व में वो जमीन बेची गई थी, सर्व सेवा अच्छा संघ ने उसकी कीमत चुकाकर वो खरीदी थी। जी और वो जो पहली बैठक हुई थी उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खुद भी थे, विनोबा जी थे, जयप्रकाश नारायण और लाल बहादुर शास्त्री, ये वो लोग थे जिन्होंने इस देश को बनाया था। और उन लोगों ने इस जो संस्था वहां पर बनी थी 13 एकड़ जमीन के अंदर जो सर्व सेवा संघ बना था, तो और सर्व सेवा संघ के जो काम होते थे गांधी दर्शन पर, गांधी विचारों पर किताबों को प्रकाशित करना, स्वास्थ्य पर, कृषि पर, अलग अलग विषयों पर बातें करना और सम्मेलन करना, तो ये सारा काम वहां पर चलता था। तो ये जो सारा काम है जो कि राष्ट्र निर्माण का काम एक तरह से कह सकते हैं, तो वो चलो अगर हम ये मान लेते हैं कि वो जमीन लीगल नहीं थी या वो जमीन रेलवे को लेनी थी, तो उसके बदले में आपको कहीं और जमीन देनी चाहिए थी कि सही बात है। चलो ये जमीन हमको चाहिए, ये जमीन आप हमें दे दो, इसके बदले में ये जमीन आप ले लो। मुंबई के अंदर कोई आदमी सन 2000 के बाद से अगर झोपड़ी बना के रह रहा है, तो उसका अगर झोपड़ी तोड़ी जाती है तो उसको एक मकान दिया जाता रहने के लिए। तो ऐसे ही आपको एक मुआवजे के तौर पर या एक पर्याय के रूप में जमीन देनी चाहिए थी, वो भी आप नहीं दे रहे हो, इसका मतलब आपका उद्देश्य कुछ और है, बात जमीन का नहीं है। और चूंकि अभी वाराणसी जो है उसकी जमीन की कीमत मुंबई की कीमत से भी ज्यादा होने जा रही है, बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है, और अभी कुछ दिनों पहले वो जो पूरा इलाका है आसपास का, उस इलाके के लोगों को नोटिस दी गई है कि ये सब अभी विकास के क्षेत्र में आ गए हैं, तो आपकी जमीनों का सरकार अधिग्रहण करना चाहती है, बदले में उनको कुछ पैसे वैसे दिए जाएंगे। तो इस तरह से वो जमीन अब बहुत ज्यादा एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय टूरिज्म का केंद्र बनाया जाने की कोशिश हो रही है। तो ऐसे अंतर्राष्ट्रीय टूरिज्म के केंद्र में और ऐसे विश्व स्तर के स्थान पे सर्व सेवा संघ जैसी मामूली चीज फिट नहीं बैठती होगी या वो ठीक नहीं लगती होगी, तो चलो उसको हटा दिया जाए। तो हटा देना भी कोई बुरी बात नहीं, अगर आपको पसंद नहीं, लेकिन आप उसको पर्याय दीजिए कि ये इतनी जमीन हम आपको यहाँ दे रहे हैं, इतनी दूर दे रहे हैं, आप यहाँ पर आप अपना काम चालू रखिए। तो बिल्कुल सही। ये इतनी सदाशयता तो होनी चाहिए, पर चूंकि वो करने के लिए अभी तक तो कोर्ट में मैटर था और अभी तक उसका कुछ फैसला भी नहीं आया है, और आज से रेलवे ने पहले तुरंत बुलडोजर बुलाकर सारा ध्वस्त कर दिया, सारी किताबें बाहर फेंक दी, अब उन किताबों को पैक करके और वो सारा, और बीच में बारिश हो गई तो किताबें भी सड़ जाएंगी, और लाखों रुपए की किताबें हैं वो, तो उस सबका इंतजाम करने के लिए आप कोई किसी का घर तोड़ते हो तो नोटिस देते हो कि फला तारीख को हम आपका घर तोड़ रहे हैं, आप उसमें से सामान निकाल दो, ऐसे आमतौर पर ये होता है। पर हाँ उतनी भी सही। सदाशयता नहीं है, इसका मतलब कि आपका इंटेंशन कुछ और है। पांडे साहब, ये जो गांधी जी को राष्ट्रपिता कहते हैं, तो किन किन कारणों से माना जाए कि वो वास्तव में राष्ट्रपिता, अगर हम ये कहें कि सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता कहा इसलिए राष्ट्रपिता है, तो वो तो लोगों को एकदम से समझ में तो आ जाता है कि इतने बड़े नेताजी ने कहा तो चलो, पर उसके पीछे कुछ उनके दिमाग में क्या था, सुभाष चंद्र जी बोस के दिमाग में, कि उन्होंने गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा? क्योंकि सुभाष जी ने गांधी जी को राष्ट्रपिता तब कहा जब वो आजाद हिंद फौज बना चुके थे, और जब वो जापान के साथ मिलकर भारत की ओर आने की शुरुआत कर चुके थे, अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध छेड़ चुके थे, और उनको साफ नजर आ रहा था कि अंग्रेजों के खिलाफ एक और आदमी अकेला खड़ा है जो उनसे लड़ रहा है, और बिना किसी अस्त्र शस्त्र के, बिना किसी दूसरे देश की मदद के। तो वो गांधी के पास जो बल था, जो आत्मिक बल था, जो सत्य का बल था, जो अहिंसा का बल था, उससे ऐसा लगा कि इसके बल पर राष्ट्र आगे बढ़ सकता है। तो ये जो गुण धर्म गांधी के अंदर दिखे, तो उसकी वजह से उन्होंने उनको राष्ट्रपिता के रूप में संबोधित किया। और अगर वो भाषण सुने जो उन्होंने रंगून से दिया था, तो उसमें ऐसे लगता है कि कोई सिपाही अपने सेनापति को रिपोर्ट कर रहा है, उस तरह की भाषा में वो अपनी बात कर रहे थे।
तो जो लड़ाई गांधी लड़ रहे थे वही लड़ाई सुभाष भी लड़ रहे थे, पर इनका तरीका अलग था जो गांधी को पसंद नहीं था। गांधी का कहना था कि फासिज्म के साथ मिलकर अगर आप आजादी प्राप्त करना चाहोगे तो वो फासिज्म की ओर ही सत्ता को ले जाएगा। गांधी जी का मशहूर कहावत है कि तलवार से पाई गई आजादी तलवार पे ही खत्म हो जाती है। और हमें 5000-7000 सालों की परंपरा वाले देश को अगर आगे ले जाना है तो इस तरह से नहीं ले जाया जा सकता है, ऐसा गांधी जी का मानना था। और जिसको हम लोग भारतीय मूल्य या भारतीयता कहते हैं, गांधी उस भारतीयता के प्रतीक थे, इसलिए भी हम उनको राष्ट्रपिता कह सकते हैं। और फिर वही बात कि आप नहीं कहिए राष्ट्रपिता तो भी गांधी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। गांधी अपने कर्मों से, गांधी अपने सिद्धांतों से जाने जाएंगे। आप उनको राष्ट्रपिता मानिए या मत मानिए, नोट के ऊपर उनकी फोटो छापिए मत छापिए, आप उनको कोई इज्जत मत दीजिए, पर उन मूल्यों को तो आपको इज्जत देनी पड़ेगी, और उन मूल्यों के बगैर आपके पास दूसरा कोई पर्याय बचा नहीं है। सही है, बड़ा गहरी बात करी आपने, बड़ा गांधी दर्शन पे तो आपका अच्छा पकड़ है। तो मैं ये आजकल क्या ये आता रहता है कि विनायक सावरकर के बारे में, क्योंकि हर सप्ताह कहीं ना कहीं कोई ना कोई पुस्तक उनकी लॉन्च हो रही थी, कोई ना कोई लिख ही रहा है उनके बारे में, बहुत सारी पुस्तकें अभी इस दौर में आ गई है। तो जबकि गांधी और सावरकर दोनों अलग अलग ध्रुव, मुझे लगता है कि दोनों अलग अलग ध्रुव है, एक सिक्के के अलग अलग पहलू है। तो क्या आपको क्या लगता है इसके बारे में कि क्या योजना लगती है सावरकर को इतना ज्यादा बढ़ावा देकर के, क्या करना चाहते हैं? नहीं, अगर हम देखें तो सावरकर की भी जो शुरुआती दौर की उनकी जो विचारधारा थी, शुरुआती दौर में वो जिस तरह से राष्ट्रवाद के और आजादी के पैरोकार थे, वो चीज धीरे धीरे बदलती है उनके यहाँ। अभी मूल मुद्दा ये है कि जैसे आपने कहा कि सावरकर पर बहुत सारी किताबें आ रही हैं, तो एक तो सावरकर को समझने की कोशिशें हो रही हैं। जी। अब मुद्दा वहां शुरू होता है जहां की संसद में सावरकर जी का की तस्वीर लगाई जाती है जी। तो उसे किसी को कोई आपत्ति नहीं थी कि सावरकर जी की भी तस्वीर लगाई जाए तो अच्छी बात है, पर तस्वीर गांधी की तस्वीर के ठीक सामने लगाई जाए, गांधी की तस्वीर से बड़ी तस्वीर हो, तो आप महापुरुषों को छोटा या बड़ा साबित नहीं कर सकते हो। सबका अपना अपना योगदान है उसमें, उसमें तो भगत सिंह और आजाद और बिस्मिल का भी योगदान रहा, अशफाक उल्लाह खान का भी योगदान रहा, तो इस देश की आजादी में बहुत सारे लोगों ने अपने अपने ढंग से लड़ाइयां लड़ी हैं। तो ऐसी स्थिति में अभी ये जो चल रहा है पीरियड जिसको हम ट्रांजिट कह सकते हैं, तो एक तो सावरकर को समझने की कोशिश हो रही है। जैसे हमारे यहाँ पॉलिटिकल साइंस के विद्वान थे, बहुत अच्छे इतिहासकार थे, उनका नाम यदि फड़के था, तो उन्होंने पूरी किताब लिखी है शोध सावरकर आंसा, तो बहुत अच्छी किताब है और बहुत प्रामाणिक और रिसर्च के साथ लिखी गई किताब है। वो किताब अगर हम पढ़ें तो हमें सावरकर के बारे में बहुत सारी चीजें पता चलती हैं। और दूसरी चीज ये है कि बहुत सारी चीजें सावरकर के साथ ऐसे विवादास्पद थी, उसको जस्टिफाई करने के लिए भी किताबें लिखी जा रही है। हालांकि आरसी मजूमदार की किताब जो है वो पेनल सेटलमेंट इन अंडमान, उसके अंदर बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स दिए गए, भारत सरकार का ही है वो, एक तरह से आर्काइव से लिया गया है, तो वहां पर सारी चीजें अवेलेबल हैं। तो अभी दो तरह के लोग हैं, एक सावरकर के जस्टिफिकेशन में लगे हुए हैं, दूसरा सावरकर को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तीसरे ऐसे भी लोग हैं जो सावरकर को गलत साबित करने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो ये इसी तरह से अलग अलग शाखाओं में। और दूसरा ये होता है कि जब किसी फिगर को आप बार बार चर्चा में लाते हैं तो उसकी एक मार्केट वैल्यू बढ़ जाती है, और मार्केट वैल्यू बढ़ जाती है तो जो प्रकाशक है वो चाहेगा कि उसकी किताबें बिकें, तो उस मार्केट के नजरिए से भी किताबें लिखी जाने लगी हैं। जैसे बहुत सारी किताबें कश्मीर पर लिखी जाने लगी हैं, बहुत सारी किताबें हिंदू मुस्लिम संबंधों पर लिखी जाने लगी हैं, पाकिस्तान पर लिखी जाने लगी हैं। तो होता यह है कि किताब लिखने और प्रकाशित होने के पीछे बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं। सही बात है। एक तो मार्केट खुद काम करता है, दूसरे प्रचार काम करता है, तीसरे कुप्रचार काम करता है, सुप्रचार काम करता है, ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। जी, वैसे ये बात तो ज्यादातर गांधीवादी भी मानते हैं कि सावरकर वीर तो थे,
इसमें कोई दो राय भी नहीं है कि उन्होंने प्रयास तो देश की आजादी के लिए किया ही, और दो बारा उनको आजीवन कारावास भी मिला, भुगता भी सही, पर आगे जा करके उन्होंने थोड़ी सी ये गलती हो गई कि उन्होंने सजा भुगतने के बजाय समझौता करना ज्यादा पसंद किया। अब उसको भी क्वेश्चन, उस समय जो हमारे क्रांतिकारी थे चंद्रशेखर आजाद जैसे लोग, उन हाँ लोगों भगत की भी सिंह, मदद इन्होंने की थी, और वहां के कुछ क्रांतिकारियों को इन्होंने शरण भी दिया था। जी और भगवती चरण बोहरा की जो पत्नी थी वो यहाँ दादर में आई थी और उनसे मुलाकात किया था उन्होंने, तो इंटेंशन तो उनका बुरा नहीं था। हाँ और लेकिन वो हर भी महापुरुष के साथ कुछ न कुछ लगा रहता है, हाँ जैसे नहीं कोई मजबूरी तो रही होगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, तो ये बात, ये बात हो सकता है, हाँ, उनका सही मूल्यांकन होना भी चाहिए। अगर एकदम सही होना दो तीन चाहिए। चीजें नेगेटिव मराठी हैं में, तो फिर मराठी में हुआ है, मराठी में धनंजय कीर ने सावरकर पर बहुत अच्छी किताब लिखी है। धनंजय कीर बहुत बड़े चरित्र लेखक माने जाते हैं, उन्होंने अंबेडकर, ज्योतिबा फुले और सावरकर, शाहू महाराज, शिवाजी महाराज, सब पर अच्छा लिखा है, और अत्यंत प्रामाणिक लेखक हैं वो, हाँ तो मराठी में तो काफी कुछ लिखा गया है, बाकी भाषाओं में उस तरह से नहीं लिखा गया। हाँ तो कई बार ऐसा भी लगता है कि चलो वैचारिक मतभेद थे सब कुछ था, लेकिन व्यक्ति के साथ में कुछ तो न्याय होना चाहिए जी बिल्कुल बिल्कुल। उसके बिना तो आखिर सभी को अपनी बात कहने का हक है। वो तो गांधी के विचारों में है, वो तो सबको सुनते थे, बुला बुला के सुनते थे, यहाँ तक कि गोडसे तक से बात करना चाहते थे वो तो, और ये तक कहा गया कि अगर बच जाते तो गोडसे को माफ भी कर देते बिल्कुल बिल्कुल। वैचारिक रूप से तो समृद्ध थे गांधी। सावरकर के साथ में भी ये तो था कि मिलने भी नहीं, गए, सावरकर से कभी गांधी की मिलने जो गए। सबसे बड़ी बात थी कि अपनी कमियों को एक्सेप्ट करना, हाँ और जहां वो गलत थे उसको सार्वजनिक रूप से स्वीकार करना कि भाई इस मुद्दे पर मैं यहां पर गलत था, मैं अपनी गलती जी स्वीकार करता हूं और आगे मैं उसको सुधारता हूं, ये उनका बड़प्पन है। उन गांधी के अलावा मुझे कोई दूसरा नेता ऐसा नजर नहीं आता है जो अपनी कमियों को, अपनी खामियों को, अपनी गलतियों को सार्वजनिक रूप से स्वीकार करे और जी उन्हें सुधारे। एक स्वामी श्रद्धानंद थे जिनकी हाँ जी आत्मकथा बहुत ही जबरदस्त आत्मकथा मानी जाती है, यानी गांधी जी की आत्मकथा से भी अच्छी है स्वामी श्रद्धानंद की आत्मकथा। उन्होंने अच्छा अपनी जिंदगी को पूरी तरह से उधेड़ कर रख दिया लोगों के सामने। तो अच्छा एक उनको अगर मैं छोड़ दूं तो बाकी मुझे कोई नजर नहीं आता जो अपनी कमियों को इस तरह से गिनाता हो। सही बात है। हाँ ये तो यही तो विशेषता और गांधी की। ये आदमी का बड़प्पन है हाँ ये कि सब आप अपनी गलतियों को स्वीकार करिए सार्वजनिक रूप से। बिल्कुल सही है। और असल में गांधी ने जिन गलतियों को स्वीकार किया उसी को लेकर लोगों ने उन पर आरोप लगाए, हाँ हाँ क्योंकि वो जो रॉ मटेरियल है वो गांधी ने ही सप्लाई किया कि ये मेरे हाँ चरित्र की कमजोरियां हैं, और फिर उन्होंने, लोगों ने उनके ऊपर आक्रमण किए। हाँ पर वो गांधी खुद ही जवाब दे भी देते हैं इन बातों का जवाब दे ये देते थे वो। तो इसीलिए तो महान है गांधी जी। अब जी आपकी अन्य गतिविधियों पे थोड़ी सी बात करते हैं। ये जो बाजा बाल फिल्म है जिसको राष्ट्रीय पुरस्कार मिला, उसके बारे में कुछ हाँ, बताया, क्या क्या यूट्यूब पर सब्जेक्ट है है वो, उसका, यूट्यूब पर आपको विषय मिल वस्तु। जाएगा। हाँ मैं देखा, जो, हम देखूंगा उसको हाँ, जी। जो मेरे डायरेक्टर हैं जिनका नाम अपूर्व किशोर बीर है, वो बहुत बड़े सिनेमेटोग्राफर हैं, और गांधी फिल्म में भी उन्होंने सिनेमेटोग्राफी की थी, एटन बरो की फिल्म अच्छा में, हाँ और उनको अब तक मेरे ख्याल से 11-12 नेशनल अवार्ड मिले हैं। तो उनकी ये जो फिल्म है, पहले वो उड़िया में फिल्म बनाते थे, अब वो हिंदी में बनाते हैं। तो बाजा फिल्म के अंदर उनका ये कहना है कि जिन बच्चों को हम दुष्ट कहते हैं या आवारा कहते हैं या बदमाश कहते हैं, दरअसल में उनके भीतर एनर्जी इतनी ज्यादा होती कि हम उसको चैनलाइज नहीं कर पा रहे हैं। तो गलती बच्चे की नहीं होती है, बच्चे बदमाश नहीं होते हैं, समाज या परिवार उनको चैनलाइज नहीं कर पाता है। इस थीम को लेकर एक बच्चे की कहानी उन्होंने कही है, और उस बच्चे के रोल के लिए हम लोगों ने बहुत सारी जगहों पर जाके ढूंढा, पर हमें कहीं भी उस तरह के बच्चे नहीं मिले। तो एक रिमांड होम जैसा या अनाथालय जैसा था, वहां पर जाकर हमें ये लड़का मिला जिसके अंदर वो सारे तत्व हमें दिखाई पड़े, और बाद में उसने जो काम किया, फिर उसको जो पैसे मिले उससे उसने पढ़ाई लिखाई की,
और मेरे ख्याल से हैदराबाद में अभी वो रिक्शा चला रहा है और अपनी रोजी रोटी चला रहा है वो। तो वो फिल्म बहुत अच्छी है, पर वही है कि ऐसी फिल्म में प्रायः उनको एक तो स्क्रीन नहीं मिलता है और दूसरे ऑडियंस नहीं मिलती है। ये तो समस्या है। जी सही बात है, आजकल तो लोग पता नहीं क्या देखना चाहते हैं। हाँ, सोशल मीडिया बहुत सारी चीजें खा गया है, बहुत सारा बहुत सारा। बहुत सारा चीजें खा गया है, बड़ा दिक्कत कर दिए। कोई भी वीडियो भी डालता है तो 2-3 मिनट देखते हैं और आगे का तो छोड़ देते हैं। हाँ, ये बड़ा एक समस्या हो गई। नहीं महात्मा बहुत गांधी भी खाएगा आपने, तो जी, जी, नहीं बहुत खाएगा तो एक दिन तो उसको बदहजमी हो जाएगी। सही हाँ बात है, होगी होगी, होने लग गई, लग भी रहा है, लोगों का थोड़ा जी थोड़ा बिल्कुल। इंटरेस्ट कम होने हाँ लगा है। जब बाढ़ आता है तो उसमें आपने, कचरा बहुत आता है, फिर धीरे धीरे वो पानी शांत हो जाता है, तो अभी बाढ़ का पीरियड चल रहा है। हाँ, जब ये सब कचरा है छटने लगेगा दो सब तरह से, तब जा करके और कुछ सार्थक बात जी होगी, सकारात्मक मटेरियल आएगा। आपने आपकी 2-3 कविताएं भी पढ़ी मैंने, एक कविता अगर सुना है। जी गांधी जी पर तो नहीं, लेकिन गांधी विचार पर कविता है मेरे पास। जी और गांधी को प्रार्थना बहुत प्रिय थी, जी और गांधी हाँ, कहते रोज थे जैसे करते कि थे। आप रोज स्नान करते हो तन को शुद्ध करने के लिए, वैसे प्रार्थना मन को शुद्ध करने का तरीका है। जी तो प्रार्थना को लेकर कविता लिखी है। कोई वक्त नहीं होता प्रार्थना का, कोई वक्त नहीं होता प्रार्थना का, न कोई तयशुदा जगह, न कोई मौसम। प्रार्थना में हाथ उठे न उठे, अहंकार उठना जरूरी है। प्रार्थना में हाथ उठे न उठे, अहंकार उठना जरूरी है। प्रार्थना तो वे भी करते हैं जिनके हाथ नहीं होते, और बेजुबान भी करते हैं प्रार्थना। कोई रंग नहीं होता प्रार्थना का, न कोई ढंग होता है। प्रार्थना में नहीं होता कोई ईश्वर, न कोई धर्म, न धर्म शास्त्र। शास्त्रों से परे होती है प्रार्थना, पूरी सृष्टि से जुड़ने की, पूरी कायनात को अपने भीतर महसूस करने और रोशनी का फूल बनकर, पहली बारिश की सोंधी सुगंध बनकर, पूरी सृष्टि में अशेष भाव से समा जाने का हुनर है प्रार्थना। सूरज की तरह जलने, हवा की तरह चलने, नदी की तरह बहने और कुछ भी नहीं कहने का नाम है प्रार्थना। संसार में जो भी शुभ है, मंगलमय है, सुंदर है और सबका है, उसके साथ रहने का नाम है प्रार्थना। बहुत अच्छा तो ये प्रार्थना पर एक कविता थी, और जी। एक ऐसी ही कविता शायद वो भी गांधी पर खरी उतरे, जी कि जब कोई न सुने तुम्हारी आवाज, जी जब कोई भी न सुने तुम्हारी आवाज, ईश्वर भी नहीं, तो अपने आप से बात करो, तुमसे ज्यादा अपना कोई और नहीं है। शक्ति के सारे स्रोत जब चुक जाएं, अंधेरे के समक्ष जब सब झुक जाएं, तब अपने भीतर झांको। एक दिया वहां अब भी जल रहा है, आस्था का कण करुणा के संग पल रहा है। आस्था अपने सामर्थ्य पर, करुणा समूची सृष्टि के प्रति। बाहर चाहे जितने अकेले लगो, भीतर हमेशा अपने साथ हो, अपने सामर्थ्य अपनी करुणा के साथ। यहां सुनी जाएगी तुम्हारी हर बात, यहां सुनी जाएगी तुम्हारी हर बात, हर पीड़ा, प्रत्येक संवेदना, और हर बार उत्तर मिलेगा कि अकेले नहीं हो तुम, अशक्त नहीं हो तुम, असमर्थ नहीं हो तुम। संकट कितना भी गहराए, अंधेरा जितना बढ़ता जाए, भीतर की रोशनी पर भरोसा कभी न डगमगाए। ऐसी असंख्य रोशनियों से घिरे हो तुम, रोशनी बची रही तो बचा रहेगा सब कुछ, भीतर भी और बाहर भी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये रोशनी बची रहनी चाहिए। सही है जी। आपकी जो ये पत्रिका है, शोध पत्रिका शोधावरी, उसके जी बारे में कुछ बताएं, क्या ये कब असल से में प्रकाशित हो रही, क्या छपता ये है उसमें? हाँ ये कोरोना पीरियड में जो हमारी यूनिवर्सिटी के डीन थे, उनको ऐसा लगा
कि जब सारा कुछ शांत हो चुका है तो कहीं ना कहीं हमें कुछ क्रिएटिव करना चाहिए, और जून 2020 से उन्होंने हिंदी, मराठी और अंग्रेजी तीन भाषाओं में रिसर्च मैगजीन की शुरुआत की, रिसर्च जर्नल की शुरुआत की, और पहले वो मंथली थी, जून से लेकर सितंबर तक हमने उसको मंथली निकाला, लेकिन इतने सारे आर्टिकल जुटा लेना, इतने लोगों को जमा करना थोड़ा मुश्किल लगने लगा, तो अक्टूबर से हमने उसको क्वार्टरली कर दिया, और अब वो हर तीन महीने में किसी न किसी विषय को लेकर निकाली जाती है। जैसे हमने एक पूरा अंक गांधी पर निकाला, एक पूरा अंक नेहरू पर निकाला, पूरा अंक सामाजिक न्याय पर निकाला, सत्यजीत रे पर हमने अमृता प्रीतम पर एक अंक निकाला, अभी हम आदिवासियों पर एक अंक निकालने जा रहे हैं। तो इस तरह से हम अलग अलग विषयों पर, ये तो मैं हिंदी में कर रहा हूँ, ऐसे ही मेरे दूसरे साथी हैं वो मराठी में कर रहे हैं और अंग्रेजी में भी कर रहे हैं। तो ये मुंबई यूनिवर्सिटी का रिसर्च जर्नल है, हिंदी में शोधावरी है, मराठी में संभाषण है, अंग्रेजी में उसका नाम संभाषित है। ऐसे तीन नाम जी, ऐसा पढ़ने में आता है कि विश्वविद्यालयों में या कॉलेजों में शोध पे बहुत कम काम होने लग गया इन कुछ सालों में। असल में इन कुछ सालों में कुछ ज्यादा काम होने लगा है, क्योंकि शोध के आधार पर आपका प्रमोशन होने वाला है, शोध के आधार पर आपकी उन्नति होने वाली है, तो शोध के नाम पर बहुत सारा यूनिवर्सिटीज में काम शुरू हो गया है। अब उसकी क्वांटिटी तो बहुत जबरदस्त है, क्वालिटी पर लोगों को संदेह है, क्योंकि जब भी क्वालिटी क्वांटिटी बढ़ेगी, क्वालिटी अपने आप कम होती है। सही बात है, तो नियम ही है। जबकि फिल्म है हमारी बेटी, उसके बारे में, वो भी YouTube पे अवेलेबल है क्या? वो भी YouTube पर अवेलेबल है जी। ये बहुत पहले इसको जो हमारे डायरेक्टर हैं उन्होंने कंसीव किया था, लेकिन हमें प्रोड्यूसर नहीं मिल पा रहे थे या फाइनेंस करने को कोई तैयार नहीं हो रहा था। उड़ीसा में एक सचमुच की एक ऐसी लड़की है जो गूंगी और बहरी है जन्म से, पर उसे डांस सीखने का बहुत शौक था, वो चाहती थी कि वो ओडिसी सीखे, पर वो कैसे सीखेगी, तो किस तरह से उसने अपनी इस इच्छा को पूरा किया, ये वो फिल्म है, जिसमें पहले उसके माता पिता तैयार नहीं थे, बाद में माता पिता तैयार हो गए, और फिर कैसे उसने अपनी जो शारीरिक अक्षमताएं हैं उस पर कैसे विजय प्राप्त की, और कैसे उसने डांस में महारत हासिल की। एक रियल स्टोरी है एक लड़की की, जिस पर ये फिल्म बनी थी हमारी बेटी नाम से, और उस समय के बड़े एक प्रोड्यूसर हमें मिल गए थे सुरेश प्रोडक्शन के, तो उनकी मेहरबानी से फिल्म तो बन गई, पर कुछ कारणों से वो रिलीज नहीं हो पाई, पर उसे फेस्टिवल्स में बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं हमारी बेटी को भी। और भी एक फिल्म है आपकी वो जिसमें संवाद लेखन किया, अंतरध्वनि, उसका क्या विषय वस्तु? अंतरध्वनि है वो असल में, और यानी इनर वॉइस उसके उसका नाम है। तो उसमें ऐसे बताया गया है कि अगर आपकी जिंदगी में कुछ बुरा होता है तो आप उस बुराई का जवाब बुराई से देने की बजाय या तो अच्छाई से दो या तो इंतजार करो, क्योंकि एक नेचुरल जस्टिस होती है, प्रकृति भी न्याय करती है, तो प्रकृति के न्याय पर आपका भरोसा डिगना नहीं चाहिए, क्योंकि एक सिस्टम है इस पूरे यूनिवर्स में, पूरा यूनिवर्स एक सिस्टम में काम करता है, हमारी बॉडी एक सिस्टम में काम करती है, हमारे बॉडी का हर एक सेल एक सिस्टम में काम करता है, तो उस सिस्टम पर हमें भरोसा होना चाहिए। जब हम भरोसा खो देते हैं तो फिर प्रॉब्लम आ जाती है। तो इस चीज को लेकर वो फिल्म थी। तो ये जो सब्जेक्ट है आपका प्रिय सब्जेक्ट है महात्मा गांधी, इसके ऊपर भी आपने कोई संवाद लेखन किया है क्या, या कोई फिल्म बनने का, या कोई ऐसा कभी कहीं कोई पुस्तक भी लिखी है? जी पुस्तकें तो मैंने ज्यादातर सिनेमा पर लिखी हैं जी, और हमारे यहाँ मुंबई सर्वोदय मंडल है, उसके साथ मिलकर हम लोग काम करते हैं, और जेल में जाकर कैदियों को गांधी की कहानी सुनाते हैं, गांधी के बारे में बताते हैं,
और मुझसे पहले कोई एक सज्जन थे जो जेल में जाकर उन्होंने एक अपराधी को जो सजा याफ्ता कैदी था उसको बताया और उसने जज के सामने जाकर अपने सारे गुनाह कबूल कर लिए, जिसके लिए वो सजा पा रहा था वो भी, और जिस जो पुलिस को नहीं पता थी वो भी उसने कह दिया कि मुझे सबकी सजा दो, मुझे माफी नहीं चाहिए। तो जज को बहुत आश्चर्य हुआ और फिर जज ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारी सजा, ऐसे तो 7 साल होती है, मैं 2 या 3 साल कर देता हूँ। उसका नाम लक्ष्मण गोले था। बाद में जब वहां से वो छूटा तो सर्वोदय मंडल के साथ आकर वो काम कर रहा है। तो इस तरह से भी हम जाते हैं जेल में, लोगों को गांधी की कहानियां सुनाते हैं। और उसमें जरूरी नहीं कि सारे के सारे अपराधी हों, जो विचाराधीन कैदी होते हैं वो तो शक के बिना पर भी गिरफ्तार हो जाते हैं। तो वो उनके भीतर जो क्रोध होता है, छूटने के बाद फिर वो क्रोध हिंसा का रूप धारण करता है, तो कहीं ना कहीं उनको रोकने की या समझाने की जरूरत महसूस होती है। तो ये काम हम लोग करते हैं। उसके अलावा संस्कार शिविर करते हैं जिसमें लोगों को बुलाना और उनको 8 या 10 दिन तक गांधी विचारों से परिचित कराना, ये सारा काम अपने लेवल पर कर रहे हैं। पर धीरे धीरे इसकी जो इसका जो महत्व है वो कम होता जा रहा है, ये हमको अभी नजर आ रहा है। पंडित साहब, आपने कुछ कविता संग्रह भी प्रकाशित हुए हैं और होने भी वाले हैं, तो क्या पाठक हैं कविताओं के? मैं व्हाट्सएप पर कविताएं डाल दिया करता हूँ, तो कलकत्ता में मेरे एक मित्र हैं, तो वो मेरी कविताओं को बांग्ला में ट्रांसलेट करते हैं। अच्छा। और फिर उन्होंने बांग्ला में ट्रांसलेट करके किताब छपाई और फिर मुझे कहा कि आप इस किताब का विमोचन करने यहाँ आइए। और फिर मैं वहां गया था तो वहां मैंने देखा कि कविता के प्रति कितना लगाव है इनके मन में। और फिर मेरे एक दूसरे मित्र जो दिल्ली में रहते हैं, उन्होंने मेरी कविताओं को उर्दू में ट्रांसलेट किया और उसकी किताब छपाकर उन्होंने उसकी कॉपीज मुझे भेज दी। तो मुझे लगता है कि अगर कविता में आप सही बात कर रहे हैं और लोगों तक पहुंच रही है तो लोग उसे पढ़ते हैं। और उर्दू में, बांग्ला में, मेरी एक मित्र गुजराती में करना चाहती हैं पर वो डर रही हैं कि ये कविताएं ट्रांसलेट करने के बाद कहीं वो तकलीफ में ना पड़ जाएं, तो इसलिए वो हिंदी में ही पढ़ रही हैं। हिंदी में पाठकों की संख्या, पाठक हैं क्या इतनी बड़ी संख्या में कि हिंदी में काफी क्योंकि मेरे मित्र हैं जो सिनेमा में अभिनय करते हैं, राजेंद्र गुप्ता जी, तो वो मेरी कविताओं को YouTube पर पढ़कर डालते हैं और उन कविताओं को सुनने वाले बहुत लोग हैं। हाँ, YouTube पे सुनते तो हैं। अब वो पढ़ नहीं पा रहे हैं लोग, लेकिन कम से कम सुन तो रहे हैं। हाँ, किसी न किसी मार्फत कविता उन तक पहुंच रही है। साहित्य के सामने बड़ी संकट आ गया है कि अगर 300 किताबें भी अगर बिक गई तो बेस्ट सेलर हिंदी में बिल्कुल 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 बेस्ट सेलर 300 किताबें हो गई है, तो कितनी मतलब साहित्य के सामने ये जो संकट है वो बड़ा कैसे निपटा जाएगा इससे, जो पढ़ना ही बंद हो गया लोगों का। तो जबकि दूसरी तरफ जो ज्ञान विज्ञान की किताबें हैं वो ज्यादा मात्रा में बिक रही है, जैसे अभी आपने वो हरारी की नोआ हरारी किताब सेपियंस है, सेपियंस मेरे ख्याल से दुनिया की हर भाषा में ट्रांसलेट हुई और हर भाषा में कम से कम वो 20,000 से लेकर 50,000 तक किताबें वो छपी हैं और बिकी हैं और कई उसके एडिशंस निकले हैं। तो एक सीरियस किताबें जो हैं वो लोग, जैसे अभी मृणाल सेन पर एक किताब आई थी और किताब आते ही वो सारी की सारी बिक गई। तो अच्छी चीजों को पढ़ने वाले हैं अभी लोग, बशर्ते आप उनको अच्छी चीजें दीजिए। हाँ, तो ये तो पाठकों की, फिर भी मैं कई बार ऐसा लगता है कि हिंदी बेल्ट में बड़ा पाठक खोजना बड़ा कठिन काम हो गया है। उसकी हिंदी बेल्ट की अपनी समस्या है, लेकिन अभी मैं प्रेमचंद पर एक किताब पढ़ रहा था तो उनकी उनका उपन्यास जब रंगभूमि प्रकाशित हुआ तो प्रकाशित होते ही साल भर के अंदर 5,000 कॉपीज उसकी बिक गई थी उस समय। तो ऐसे भी, और बहुत सारे लेखक हमारे यहाँ जैसे धर्मवीर भारती हैं, हरिवंश राय बच्चन हैं, नीरज हैं, इनकी किताबें बहुत ज्यादा बिक रही हैं, बहुत सारे 30, 40, 50 एडिशन उनके निकल चुके हैं। और उसके अलावा भी बाकी का जो साहित्य है वो काफी पढ़ा जा रहा है। मेरे दिमाग में ये प्रश्न इसलिए आया कि मैं यहाँ लोकल में जिला पुस्तकालय
वहाँ एक किताब रद्दी में पड़ी थी रोमिया रोला की, महात्मा गांधी पे लिखी हुई। अच्छा तो हाँ हाँ जी, उसको मैंने जब उठाया तो तीन लोगों ने उसको इश्यू करवाया था अब तक, 1970 से लेकर के और अभी 50 साल में केवल तीन लोगों ने इश्यू कराया। मेरे दिमाग में आया कि क्या पाठकों की संख्या जो रोमिया रोला तक के लिखे हुए को हाँ गांधी के बारे में लिखे हुए को नहीं पढ़ रहे, तो क्या पाठकों की संख्या वास्तव में संकट में है। ये नहीं, ये हो सकता है कि रोमिया रोला के बारे में लोग जानते ना हो, जैसे रामचंद्र गुहा की किताब तो आते ही गायब हो जाती है, तुरंत हाँ, सारे खरीद ली जाती है। तो वो तो उनका तो पता चल जाए। हाँ, और दूसरा ये कि जिस तरह से गांधी किताबों का प्रचार प्रसार होना चाहिए था, उस तरह से वो हो नहीं पाया, वो भी एक वजह हो सकती है। हाँ, ये भी एक बड़ा कारण। आजकल की जो ये देखा मैंने उस लाइब्रेरी में कि दीनदयाल उपाध्याय के वाड्यम था पूरे, एक दो तीन चार, और वो भी इन्हें 25-25 प्रतियां एक ही अलमारी में रखी थी। तो मैंने पूछा ये किसी ने आज तक इशू करा ही क्या है लाइब्रेरी को, मुझे बोला आज तक तो इस अलमारी को मैंने तो नहीं खोला 5 साल से, इनका कोई इशू करा नहीं। तो ये भी तो एक सरकार प्रायोजित नहीं, उसमें फिर किताबों में किताब बेचने और खरीदने के पीछे भी बहुत सारा मार्केट काम करता है। हाँ, ये सबसे बड़ा खेल हो गया। हाँ पब्लिशर को बेच करके खुश हो गया कि मेरा कमाई हो गई, पर पाठक है कि नहीं बिल्कुल। वो बड़ा। अभी एक कार्यक्रम में था तो वहां पे कहा गया कि गांधी जी के बारे में प्रश्न था कि गांधी जी का जो राम थे वो दशरथ पुत्र राम नहीं थे। ये खुद गांधी ने भी कहा है कि मेरे राम है वो दशरथ पुत्र राम नहीं है, मेरे राम है वो परम शक्ति है जिसे हम सब मानते हैं, शाश्वत है, सत्य है, वो मेरे राम है। तो लोगों ने कहा कि ये तो धार्मिक भावना भड़काने वाली बात होगी, तो क्या इसमें गांधी के बारे में जो सत्य बोल रहे हैं, जो गांधी ने कहा वो सत्य बोल रहे, तो उसमें धार्मिक भावनाएं कहाँ से आ जाएगी। नहीं, गांधी से बहुत पहले एक और आदमी था जिसने बात की थी, वो कबीर थे। कबीर हाँ ने भी राम की बात की है, पर बार बार कहा है कि राम दशरथ वाले राम नहीं है। तो हाँ एक जैसे कबीर परब्रह्म के लिए राम शब्द का इस्तेमाल करते हैं, केशव का इस्तेमाल करते हैं, अल्लाह का करते हैं, खुदा का करते हैं, रहीम करीम, ऐसे बहुत सारे। तो वो तो एक संज्ञा है जिसके माध्यम से आप परब्रह्म को स्वीकार कर रहे हो या उसको संबोधित कर रहे हो। और एक दूसरे राम है जो हमारे पुराणों के और फिर रामायण और बाकी धर्म ग्रंथों के हैं। तो गांधी जो थे वो धार्मिक आदमी नहीं थे, गांधी वो आध्यात्मिक आदमी थे, सही और बात। अध्यात्म का संबंध किसी धर्म से नहीं होता है। तो उस बड़े रेंज में अगर देखें तो जब वो राम की बात करते हैं तो वो राम ब्रह्म है, जो हमारा वैदिक राम है, जो हमारा औपनिषदिक राम है, वो उसकी बात करते हैं, परब्रह्म की बात करते हैं, जिसकी बात ब्राह्मो समाज करता है, जिसकी बात विवेकानंद करते हैं, जिसकी बात दयानंद करते हैं, उस परंपरा में आते हैं गांधी। और गांधी क्लियर थे अपने इस विचार पे, लेकिन शब्द को लेकर, इस विचार को लेकर। लोग है आज का जो परिप्रेक्ष्य है उसमें तो कुछ और ही मतलब निकाल लिए जाते हैं इन चीजों पे। आदमी जब संकुचित होता है तो उसका धर्म भी संकुचित होता है और उसका ईश्वर भी संकुचित हो जाता है। तो इसी का विषय को लेकर एक कविता है मेरी, वो मैं चाहता हूं कि आपके सामने मैं पेश करूं। जी, और कविता का नाम कबीर है। कबीर हाँ, मेरा ईश्वर, मेरा ईश्वर मोहताज नहीं किसी घर, किसी दर, किसी शहर का। मेरा जी, ईश्वर मोहताज नहीं किसी घर, किसी दर, किसी शहर का। सारा ब्रह्मांड उसी का नूर है। आकाश गंगाओं में नहाता, निहारता है निहारिकाओं से अपनी बनाई दुनिया को। ये धरती तो उसकी आंख से टपका एक बूंद है आंसू का, उसकी करुणा का कण है। अरबों खरबों तारे ग्रह नक्षत्र उसने बिखेर दिए हैं अनादि अनंत ब्रह्मांड में, नटखट बालक की तरह वो खेलता है अनवरत। हम सब उसके खेल का हिस्सा हैं, एक पल का किस्सा है। और हमारी गुस्ताखी तो देखिए, उसे बनाना चाहते हैं अपने खेल का सामान।
हमारी गुस्ताखी तो देखिए, उसे बनाना चाहते हैं अपने खेल का सामान, दिल बहलाव का साधन, कैद करना चाहते हैं मंदिर मस्जिद गिरजे में, काशी काबे फिरके में, और बांधना चाहते हैं व्रत नहान रोजे नमाज में, बांटना चाहते हैं अलग अलग समाज में, अलग अलग रंगों में, अलग अलग ढंगों में, और हद तो देखिए, जो आसमान तक में समा नहीं सकता, न अट सकता है ब्रह्मांड में, उसके लिए बना रहे ईंट पत्थरों का घर। दरअसल ये उसके बहाने सौदागरों का खेल है, सियासत की चाल है, और थोड़े से दलाल हैं जो उस तक पहुंचने का रास्ता बताते हैं और सदियों से सबको भटकाते हैं, बरगलाते हैं। मेरा खुदा कभी जुदा ही नहीं हुआ तो मैं ढूंढू कहां और क्यों? रोम रोम में नहीं, सृष्टि के कण कण में रमा है मेरा राम, तो मैं कहीं और जाऊं ही क्यों? और वो सिर्फ मेरा ही नहीं, हम सबका है, कीड़ों मकोड़ों परिंदों पेड़ पौधों तक का है। पर अफसोस, कुछ आंखों पर पड़े हैं पर्दे अनगिनत, वर्ण के, धर्म जाति वंश के, लिंग भाषा पोथी किताब के, इन्हें कैसे नजर आए मेरा खुदा मेरा राम? अंधा होना कितना बड़ा अभिशाप है, काश ये जान पाते और पहचान पाते कि ये सब अंश हैं उसी के। जो मुस्कुराता है तो बरसात होती है, खिलखिलाए तो धूप निकलती है, और नाराज हो तो आते हैं जलजले भूकंप और ज्वालामुखी। पर है वो बहुत ही नेक, बला का खूबसूरत, खिलता है फूलों में, बहता है नदियों में, मचलता है हरियाली में, झूमता है खुशहाली में। कभी फुर्सत मिले तो आना मेरे ईश्वर से मिलने, कभी फुर्सत मिले तो आना मेरे ईश्वर से मिलने, फिर किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें। एक बार उसके होकर तो देखो, तो पता चले कि जिंदगी कितनी खूबसूरत है। फिलहाल इतनी ही जरूरत है, इतनी ही जरूरत है, इतनी जरूरत है। बहुत अच्छी कविता है, गहराई लियो अपने। तो ये कबीर को और गांधी को रिप्रेजेंट करती हुई कविता है, जिस ईश्वर की वो बात करते हैं, जिस राम की वो बात करते हैं, जिस खुदा की वो बात करते हैं। पंडित साहब, ये जो गांधी जी का जो विचार है हिंदू धर्म को लेकर के, बहुत गहरा है और बहुत स्पष्ट है और बहुत ही प्राचीनता से लिए हुआ है। लेकिन जो गांधी दर्शन को मानने वाले लोग या गांधी के ऊपर लिखते हैं पढ़ते हैं, वो लोग उसके ऊपर ज्यादा चर्चा नहीं करते, तो ऐसा क्यों होता है? असल में जो धर्म शब्द है वो इतना ज्यादा राजनीतिकृत हो चुका है कि अब लोग उसके बारे में बोलने से बचने लगे हैं, और सबको लगता है कि कहीं हमारे स्टेटमेंट का कोई और अर्थ न निकाल लिया जाए। धर्म का अर्थ उन अर्थों में वो धर्म नहीं है। हमारे यहाँ जैसे महाभारत में अगर आप देखें तो सत्य और अहिंसा को धर्म माना है व्यास ने, गीता में देखते हैं तो वो कर्म को धर्म मानते हैं, जिस कर्म को आप धारण करते हो वो धर्म होता है। तो धर्म, और ये गांधी का अर्थ हुआ करता था। और गांधी जो शब्द हिंदू शब्द का इस्तेमाल करते थे, वो उनका हिंदू धर्म तो मानवता धर्म था, और हिंदू का अर्थ भारतीय था, और बहुत परंपरा से हमारे यहाँ हिंदू का अर्थ भारतीय हुआ करता था। हिंदी है हम वतन के, हिंदुस्तान हमारा, जब इकबाल कहते हैं तो वो भारतीयता की बात करते हैं। बाद में उसको एक संकुचित अर्थ दिया गया है, या यूं कहें कि फिलोसॉफिकल या रिलीजन के तौर पर उसका इस्तेमाल किया गया है। पर गांधी का हिंदुत्व जो है वो मानवता है, और उस हिंदुत्व में सब आते हैं। आइंस्टाइन भी आता है, गैलीलियो भी आता है, मदर टेरेसा भी आती हैं, हमारे वो नेल्सन मंडेला भी आते हैं, ओबामा भी आते हैं। तो वो आपका धर्म जितना व्यापक होगा उतना महान होगा, और जितना संकुचित होगा उतना वो छोटा होगा। जी, अब आप पर निर्भर करता है कि आप उस भगवान को हफ्ते के किसी एक दिन में कैद करना चाहते हैं कि पूरी जिंदगी में बिखेर देना चाहते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। तो आदमी को जिसमें सुविधा होती है, जिसमें सहूलियत होती है, उस तरह का धर्म और उस तरह का ईश्वर वो बना देता है, और उसके आधार पर वो अपनी जिंदगी बिताता है। हमारे पास में अभी 5-4 मिनट और है, अगर एक आध कोई कविता अगर आप सुनाए तो। जी एक कविता मैं आपको सुना देता हूं, और
वो कविता है लड़कियों पर। लड़की हाँ, लड़कियां दुष्ट होती हैं। दुष्ट हाँ, माँ कहती थी लड़कियां दुष्ट होती हैं, जमीन में दफन कर दो तो फूट पड़ती हैं अंकुर की तरह, दोनों बाहें फैलाए। जमीन में दफन कर दो तो फूट पड़ती हैं अंकुर की तरह, दोनों बाहें फैलाए, ठंडी जाड़ा बरखा बिजली सब सहती हैं, फूलती हैं फलती हैं खिलखिलाती हैं, न मुरझाती हैं न नष्ट होती हैं, लड़कियां दुष्ट होती हैं। दुष्ट अंधेरे बंद कमरे में कर दो कैद तो रोशनी सी झिरती हैं, अंधी बाट पर घिरती हैं और रोशन कर देती हैं राह कत्लगाहों की, काट देती हैं जिंदगी अंधेरे में उजालों की खातिर, बड़े बड़े कष्ट सहती हैं लड़कियां दुष्ट होती हैं। घूरे के छोर पर उग आती हैं अनायास, पीपल नहीं रेड़ होती हैं, तिरस्कार सहती हैं साल भर, फूंक दी जाती हैं होली में बिल्कुल हरी भरी, चट चटाती धुंधुआती जलती हैं, न रोती है न रुष्ट होती हैं, लड़कियां दुष्ट होती हैं। धरती की तरह उठाती हैं बोझ समय का, समाज का, कुटुंब संस्कार का, घर परिवार का, आठों पहर व्यस्त होती हैं, न रुकती हैं न थमती हैं, न लड़खड़ाती हैं न सुस्त होती हैं, लड़कियां दुष्ट होती हैं। गंगोत्री से निकलती हैं, गंगोत्री से निकलती हैं, हरिद्वार काशी में पूजी जाती हैं, फिर प्रदूषित होती हैं, कदम कदम पर सभ्यता का गलीज धोती हैं, सूखती हैं हरहराती हैं, मस्त रहती हैं और भ्रष्ट होती हैं, लड़कियां दुष्ट होती हैं। और सबसे आखिर बची जूठन चाट कर जीती हैं, सबसे आखिर बची जूठन चाट कर जीती हैं, अरमानों के चीथड़े आंसुओं से सीती हैं, नीलकंठ नहीं है फिर भी रोज जहर पीती हैं, और बिना पोषण के रिष्ट पुष्ट होती हैं, लड़कियां सचमुच बड़ी दुष्ट बहुत होती हैं। अच्छा, स्त्री विमर्श पे बहुत अच्छी कविता है ये। थोड़ी सी जी व्यंग्यात्मक ढंग से कही गई, लेकिन बहुत ही जी स्त्री विमर्श को कैसे उभारा है इसमें, पितृसत्तात्मक जी व्यवस्था को भी प्रश्न खड़े बिल्कुल। करती है। बहुत जी, बहुत अच्छी कविता है जी। बहुत आपसे बहुत जी धन्यवाद सर। बड़े हाँ अच्छे, बहुत जी अच्छी लगी ये कविता तो मुझे। जी जी तो आपसे ये पूरी सीरीज मैंने लिखी है लड़कियों पर। जी, तो फिर कभी जी। मौका मिला तो हम लड़कियों पर ही और स्त्री पर ही बात करेंगे। हाँ हाँ, स्त्री विमर्श पे ही बात करेंगे, तो थोड़ा सा जी, आपका विषय भी है, कोई संस्था से आप जुड़े हुए भी हैं तो स्त्री उसकी बाल बात शक्ति करेंगे। है जी। हाँ, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। और गांधी दर्शन को लेकर के मैं भी थोड़ा बहुत कुछ करता रहता हूँ, इसलिए मेरे को थोड़ा सा लगा कि अच्छा, अरे इस वाह विषय पे हम गहराई से बात करें और लोगों तक, जहां तक भी हम पहुंच सके, तो अच्छी बात है। और देवेंद्र जी जी जोशी, जो इस जन सरोकार मंच के हमारे कन्वीनर है, उन्होंने भी ये आपसे बात करने का मौका दिया, इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ जी। जी और मैं आप सबका आभारी हूँ। नमस्कार, ठीक है, नमस्ते सर, नमस्ते बिल्कुल नमस्कार। जी सर।